Hello student, in this video we have discussed about the three component system. Okay, in last lecture to the last video we have discussed about the two component system and various subtopics: interface equilibria, that is the formation of the compound with congruent melting point, incongruent melting point, etc. Now in this video we have discussed about the three component system. Okay, let's see one by one. The phase diagram shows the phases existing in equilibrium at any given condition. F is equal to C minus P plus 2. Okay, हमें मालूम है degree of freedom क्या रहता है, phase diagram क्या है, what is phase rule and what is the equation of the phase rule. So F is equal to C minus P plus 2. According to the phase rule, a maximum of the four intensive variables must be specified to completely define the state of the three component system. As per the phase rule क्या कहता है, maximum of four intensive variables must be available or must be present to specify complete define the state of the three component system. यदि three component system हमें specify करनी है तो हमें maximum कितने components variables चाहिए रहते हैं, हमको maximum of four intensive variables should be present in the system. Okay, to define the state of the three component system. Three component system का state define करने के लिए हमें maximum four intensive variables रहना ज़रूरी है. Now second point, that is in this system if we have only one phase, suppose system में हम consider करते हैं कि वहाँ पर कितनी phases है, only one phase. So F is equal to 5 minus P is equal to 5 minus 1 is equal to 4, P is 1. Whenever there is a three component system then the phase rule become F is equal to 5 minus P. ओके, जब थ्री कंपोनेंट सिस्टम रहता है तो जो फेज रूल रहता है वो क्या रहता है, एफ इज इक्वल टू फाइव माइनस पी इज इक्वल टू. सो वेन एवर वी आर कंसिडरिंग द देर इज ओनली वन फेज, सो पी इज इक्वल टू वन, देन पुट द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू वन इन दिस इक्वेशन, सो वी विल गेट पी फाइव माइनस वन इज इक्वल टू फोर. द वेरिएबल्स आर टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसनट्रेशन ऑफ द टू थ्री कंपोनेंट्स. वी हैव टू फेजेस. देन देखो, जब वेरिएबल्स कौन से रहेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन रहेंगे ऑफ द टू ऑफ द थ्री कंपोनेंट सिस्टम में, देन वी हैव टू फेजेस रहेंगे. एक को हम क्या करेंगे, स्टेबल रखेंगे. सो वेन एवर वन वी विल गेट फोर एफ इज इक्वल टू फोर, एंड वेन एवर टू पी इज इक्वल टू टू, देन वी विल गेट द एफ इज इक्वल टू थ्रू थ्री. ये हमने यहाँ पे आपको शॉर्ट एक्चुअली बताया है, लेकिन जो पीएसपी बुक है वहाँ पे डायरेक्टली दिया है, सो वो आपको समझने के लिए डिफ़िकल्ट रहेगा, इसलिए मैंने आपको ये शॉर्टकट ना लेते हुए थोड़ा लॉन्ग कट लेके आपको समझाया है. ठीक है, नाउ लेट्स सी दी वन बाय वन अबाउट द थ्री कंपोनेंट सॉलिड लिक्विड सिस्टम्स. ओके, फॉर अ थ्री कंपोनेंट सिस्टम द फेज रूल बिकम एफ इज इक्वल टू फाइव माइनस पी फॉर अ सिस्टम हैविंग ओनली वन फेज. ओके, द फेज डायग्राम मस्ट बी लुक्ड फॉर फोर वेरिएबल्स. जो फेज डायग्राम ऑफ थ्री कंपोनेंट सिस्टम है वो फोर वेरिएबल्स के लिए क्या करेंगे, इलुस्ट्रेट करेंगे. ठीक है, द फेज डायग्राम, प्रेशर एंड टेम्परेचर आर द फिक्स्ड फॉर अ गिवन डायग्राम एंड ट्रायंगुलर ग्राफ पेपर इज यूज टू डिस्क्राइब द सिस्टम इन टर्म ऑफ द रिमेनिंग वेरिएबल्स. ओके, जब प्रेशर एंड टेम्परेचर फिक्स रखेंगे फॉर अ गिवन डायग्राम इन ट्रायंगुलर ग्राफ पेपर, ये ट्रायंगुलर ग्राफ पेपर है. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या करेंगे, फिक्स रखेंगे. ओके, ऑफ द थ्री कॉन्सेंट्रेशन एंड द रिलेटिव अमाउंट ऑफ द थ्री कंपोनेंट्स यूजुअली शो एज परसेंटेज बाय द मास. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो जब हम ट्रायंगुलर ग्राफ पे क्या निकालेंगे, डायग्राम निकालेंगे, तब क्या करेंगे हम, थ्री वेरिएबल्स हमें यहाँ पे पुट अप करने हैं. अमाउंट ऑफ द थ्री कंपोनेंट्स यूजली शोन इन द परसेंटेज बाय द मास, परसेंटेज बाय द मास. देखो ये परसेंटेज है, ये बाय द मास से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ पे फिगर में दिखाया है द कॉर्नर्स ऑफ द ट्रायंगल लेबल्ड ए बी एंड सी. तो कॉर्नर से वो ए बी एंड सी करके हम लेबल किए हैं. ठीक है, करस्पोंडेंट टू द
component A, B and C respectively. The side of the triangle opposite to the corner labeled A. Side of the corner. ये इससे अपोजिट ये जो लेबल ए किए हैं इसके अपोजिट ए के अपोजिट लेबल बी किए और ए के और बी के अपोजिट को सी किए और सी के अपोजिट को ए किए हैं ऐसे हमने वहाँ रिप्रेजेंट किए हैं ठीक है. दस हॉरिजेंटल लाइन अक्रॉसिंग द ट्रायंगल शो इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ ए फ्रॉम जीरो टू जीरो एट द बेस ऑफ 100%. बराबर है ये जीरो एट द बेस ऑफ 100%. सिमिलरली द परसेंटेज ऑफ बी एंड सी आर गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द अदर टू साइड्स. सिमिलरली अदर जीरो टू हंड्रेड यहाँ पे भी हम क्या करेंगे जीरो टू हंड्रेड और यहाँ पे भी जीरो टू हंड्रेड हमने ए बी सी के पॉइंट लिए हैं. इट इज़ पॉसिबल टू रीड द रीड ऑफ कंपोजिशन करस्पॉन्डिंग टू द एनी पॉइंट फ्रॉम द थ्री कंपोजिशन स्केल ऑफ द डायग्राम. द टोटल कंपोजिशन इज ऑलवेज 100%. टोटल कंपोजिशन जो रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा 100% रहेगा बिकॉज द ज्योमेट्रिकल रिजल्ट दैट द सम ऑफ द थ्री परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ट्रायंगल. मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे जो टोटल कंपोजिशन है वो ऑलवेज 100 रहने वाला है क्योंकि जो ज्योमेट्रिकल रिजल्ट जो आएगा सम ऑफ द थ्री परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब इसका इसका और इसका जो परपेंडिकुलर सम का डिस्टेंस रहेगा वो ऑलवेज इक्वल रहेगा हाइट ऑफ द ट्रायंगल से ठीक है. दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द थ्री कंपोनेंट सिस्टम.